ये कहानी है सन 1924 की, जब ये देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में एक रोशनी का, एक सूर्य का उदय होना अटल था। अटल था। धीरे रखो बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। हको हको जल्दी हको। वही रुक जाओ, आगे आना मना है। साहब का हुक्म है, वापस लौट जाओ। अवध, देखिए घरवाले को बच्चा होने वाला है, बहुत तकलीफ में है वो, हमें जाने दीजिए ना, हमारा अस्पताल पहुंचना जरूरी है। इंडियन लोग हमेशा किसी ना किसी तकलीफ में होते हैं, और तुम्हारे इस तकलीफ की वजह से हम ब्रिटिशर्स हमारा सेलिब्रेशन क्यों खराब कर रहे हैं? देखिए साहब, अस्पताल यहाँ से बस थोड़ी सी ही दूरी पे है, हम समय पर अस्पताल नहीं पहुंचेंगे तो बच्चा और माँ दोनों की जान को खतरा है। चाहे जिसकी जान खतरे में हो, हुकुम है, हम यहाँ से नहीं जाने दे सकते। पंडित जी, समय बहुत कम है, बिटिया पर खतरा बढ़ता जा रहा है। देखिए, मेरा नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी है, आप ही की सरकार के स्कूल में मैं टीचर हूँ, और यहाँ के राज परिवार में भी मेरी अच्छी खासी इज्जत है। आप हमें अस्पताल जाने दीजिए। ओह सर, नो मींस नहीं। वहाँ पे ब्रिटिशर्स की पार्टी चल रही है। साहब लोगों की पार्टी चल रही है तो हम कहीं आ जा भी नहीं सकते। गोरे साहब लोग और उनका परिवार आया है तो हमारी बहू क्या सड़क पर तड़पती रहे? ये देखो, हमें आपको अस्पताल जाने देना ही होगा। खबरदार, अगर आगे बढ़ने की कोशिश की था, जबरदस्ती आगे बढ़ोगे तो मैं गोली मार दूंगा। क्या हो रहा है? अरे तोमर साहब, हम तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, हम तो पड़ोसी हैं ना, आप समझाइए ना साहब को, बीवी को बच्चा होने वाला है, बहुत तकलीफ में है वो, हमें अस्पताल जाने दीजिए। सोच क्या रहे हो बेटा, बहू की जान को खतरा है, हमें जाने दो। यहाँ मोहल्लेदारी निभाने के लिए नहीं खड़े, सरकारी ड्यूटी पर हैं, आप लोगों का आदेश है, इस सड़क से कोई आगे नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, बात खत्म, भगाओ इन्हें यहाँ से। जाने दीजिए ना, हमें मेरा बच्चा मर जाएगा। मौता है तो मर जाने दे, ऐसे जी के भी क्या करेगा, लौट गाना तो बनेगा नहीं, इस गुलाम देश में एक और गुलाम पैदा होगा, और मौता भी है तो गुलामी से जल्दी फ्री हो जाएगा। कंस्टेबल, thank you.
मैंने तुम्हारे घोड़े को गुलाम से फ्री कर दिया। मेरे थ्री काउंट करने से पहले यहाँ से चले जा, नहीं तो गोलियों से भून दिए जाओगे। किशन बेटा, बिटिया की हालत खराब हो रही है। किसी की जान का सवाल है सरकार, हमें अस्पताल जाने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, हम जा रहे हैं बाबूजी। चलिए चलिए, अब बेटा चलो, चलिए बाबूजी घुमाइए, चलिए। डरो मत, घुसना हम है, सब ठीक हो जाएगा, चलिए चलिए खींचिए। रात ने बिरहा है बोई, अपना दिखे न कोई, बांध के अपने दर्दों की गठरी अपने कांधे ढोई, हो अपने कांधे ढोई। घबराना मत कृष्णा, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं। क्या हुआ पंडित जी, वापस क्यों चले, अस्पताल नहीं गए? नहीं जाने दिया ब्रिटिश हुकूमत ने, अब जो भी होगा घर पर ही होगा। बड़ी ना इंसाफी है, ये बड़े जालिम अंग्रेज लोग। बाकी ये तो सच में आता हो गई। अरे टांगा नीचे, टांगा नीचे करो जरा। हाँ आराम से आराम से, धीरे से धीरे से धीरे से, ये आ जाओ आ जाओ आराम से आराम से, सब ठीक होगा, आओ धीरे से धीरे धीरे धीरे, सब ठीक होगा, थोड़ा आराम से। दुलारी जी, पंडित जी, अब तुम्हारे हवाले बहू और बहू का बच्चा। अरे वाजपेयी जी, अरे वाजपेयी जी, क्या दिक्कत हो गई है? गोरो को आपने बताया नहीं कि आप कौन है? ग्वालियर के राजघराने के खास दरबारी कवि। अरे दो चार कविताएं उन्हें भी सुना देते तो शायद वो आपको अस्पताल जाने देते। हाँ, मगर मेरी कविताएं उन्हें समझ में कहाँ आती, और आप वाली कविता मुझे कहने नहीं आती। अरे दयाल साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पंडित जी पर इतनी बड़ी आफत आन पड़ी और आपको मजाक सूझ रहा है? आप और पंडित जी एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं, कम से कम इसी नाते थोड़ी शर्म कर लीजिए। आवत भैया, अम्मा ठीक हो जाएगी ना? हमें बहुत डर लग रहा है। हाँ सरदार विमला, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। सदा प्रेम कहाँ है? प्रेम तो सो गया। धीरज रखो, इतनी देर पीड़ा सही है, बस थोड़ी देर और।
क्या हुआ? किशन, राजयोग है राजयोग। राजयोग, बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे घर में कोई वॉइस रॉय पैदा हो गया हो। पैदा तो हुआ है, तो वो खास ही है तोमर साहब। बड़ा होकर क्या बनेगा वो तो ईश्वर ही जाने। वैसे सुबह आपके घर मिठाई जरूर पहुंच जाएगी। लीजिए अपने बेटे को देख लीजिए। इतनी मुश्किलें आई सामने, लेकिन इस बच्चे का जन्म लेना अटल था। इसके लिए इसका नाम अटल होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। मैं तो तुम्हें अटल ही बुलाऊंगी। अटला। अटल, अटल, अटल कहाँ है? होगा यही कहीं। कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं देखती हूँ। अटल, 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 अटल को देखा ऊपर? नहीं। अटल, ए प्रेम, यहाँ जाओ, अटल को ढूंढो। जाओ मामू, कहाँ है देखो, अटल ढूंढ के लाओ जल्दी। अटल, ओ अटल, अटल भैया को देखा? नहीं। कहाँ चला गया ये लड़का? अटल, तेरे ज्ञान से ही हमको तो मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल, सूर्य सा अटल। दादाजी, दादाजी, आपको पता है मैंने नहाते हुए नदी की गहराई नाप ली। अच्छा है, गहराई का पता रहने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तुम्हारे बाबूजी घर पर राह देखते होंगे, अगर देर हो गई ना तो दोनों को तुम्हारे बाबूजी की डांट खाने पड़ेगी। अटल ऊपर भी नहीं है तो गया कहाँ?
इतनी मेहनत और सिफारिश के बाद अटल को इंग्लिश स्कूल की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली है, वो गायब है। आओ बेटा, जा जाके ढूंढो उसे। छोड़िए ना बाबूजी, ढूंढने की क्या जरूरत है? वो नहीं चाहता होगा इंग्लिश स्कूल में पढ़ना, तो जबरदस्ती दाखिला दिलवाने का क्या मतलब है? आखिर हम बाकी के तीन भाई भी हिंदी मीडियम में ही पढ़े हैं। इसीलिए पिछले 3 घंटे से कपड़े प्रेस कर रहा है, घर बैठे बैठे कुछ काम नहीं, बातें करनी आती है सिर्फ। हमको भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया होता तो हम भी शायद कुछ काम कर रहे होते। अवध। अच्छा आप ठीक है ठीक है। जाओ जाके ढूंढो अटल को, देर हो रही है। ये लीजिए। पोहा मांगा था, हलवा नहीं। बाबूजी, अटल दादाजी के साथ नदी नहाने गए। नदी नहाने? दादाजी हम जल क्यों चढ़ाते? जल जीवन की निशानी है और जीवन जीवंत रखने के लिए प्रकृति को जल चढ़ाया जाता है। यह हमारा धर्म है, हमारी आस्था है, संकेत है कि हम हमारे संस्कृति को कितना मान देते हैं। हमारी संस्कृति ही हमारी जड़ है जिससे हमारा जीवन शक्ति पाता है। तो समझ में आया हम जल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि यही संकेत है कि हम हमारी संस्कृति को कितना मान देते हैं और हमारी संस्कृति ही हमारी जड़ है। शाबाश। तो अटल, नदी में नहाने से क्या होता है? शरीर साफ होता है, मैल धुलता है। और मन का मैल कैसे धुलता है? चिंतन और मनन से। ये चिंतन और मनन क्या होता है? चिंतन मतलब बैठकर बहुत सारा सोचना और मनन मतलब जो सोचा है उसका विचार करना। अच्छा, तो आज का चिंतन का विषय नदी है। क्यों? क्योंकि बड़े होकर आपको भी नदी जैसे बनना है। क्यों? क्योंकि नदी के दो किनारे उसकी दो बाहें होती है और नदी अपनी बाहें हमेशा खोल कर रखती है। उसमें इतनी जगह होती है कि कोई भी आकर सिमट जाए। तुम्हें भी ऐसे ही बनना है, जो कोई तुम्हारे पास आए वो तुम्हारा हो जाए, तुम उसी के हो जाओ, समझे? क्या बाबूजी, आपको पता है ना कि आज अटल की अंग्रेजी स्कूल की प्रवेश परीक्षा है, तो इतनी दूर नदी नहाने जाने की क्या जरूरत थी? घर पर नहीं नहा सकते थे? अरे आज ही अटल का नदी ने नहाना जरूरी था ताकि तन मन शुद्ध करके अच्छी तरह से प्रवेश परीक्षा दे सके। बाबूजी, आप अटल को अपने जैसा क्यों बना रहे हैं? मतलब इसे हम अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, इसे वहां के तौर तरीकों के हिसाब से रहना चाहिए, ना कि हमारे। अरे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का मतलब क्या है? अटल अगर अंग्रेजी स्कूल में जाएगा तो क्या वो अपने तौर तरीके भूल जाएगा? अपनी संस्कृति, रहन सहन, इसके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। बाबूजी आप मेरे, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए ना अटल, चलो परीक्षा के लिए तैयार हो जा। ये क्या? माँ, दादाजी ने नदी पर अपने भगवान को फूल और जल अर्पण किया था, इसलिए मैं भी अपने भगवान को फूल अर्पण कर रहा हूँ। भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो, देश के ललाट पर विजय। चलो तुम्हें परीक्षा के लिए तैयार करती हूँ। ज्ञान और तर्क से, अखंडता के गर्भ से, एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए जो। नदी नहाने जाना ही था तो बता के जाते ना। कैसे कहता, दादाजी ने तो मौका ही नहीं दिया। हाँ, लेकिन पता था ना आज परीक्षा के लिए जाना है, बाबूजी गुस्सा हो गए ना। अटल जल्दी चलो, ये अब तक नहीं।
तुम भी ना अच्छे से परीक्षा देना। बाबूजी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा दाखिला अंग्रेजी स्कूल में हो। लेकिन माँ, दादाजी और बाबूजी में झगड़ा क्यों हुआ? दादाजी तो हमेशा संस्कृति की बातें करते हैं, मुझे सुनने में अच्छी लगती है। अच्छी लगती है ना? हाँ, क्योंकि दादाजी बिल्कुल सही कहते हैं, हमारी पहचान, अरे अरे रुको तो, हमारी पहचान हमारी संस्कृति से है। हमारा रहन सहन हमारे आचार विचार वही होना चाहिए जिसमें हमारी आत्मा बसती है, और वो है हमारी भारतीयता, हमारी संस्कृति। लेकिन अटल, बाबूजी भी गलत नहीं कहते हैं, आज के युग में अंग्रेजी हमारी जरूरत है, हथियार है आगे बढ़ने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी संस्कृति भूल जाओ, समझे ना? हाँ अटल, अब स्कूल से लौट कर तुम अंग्रेजी में ही बात करोगे ना? हाँ अटल, तुम ऐसा करोगे? हाँ अटल, ऐसा करोगे? नहीं, अंग्रेजी सीखने के बाद भी अपनी मातृभाषा को मैं उतना ही प्यार करूंगा जितना आपसे करता हूँ माँ। अटल! हाँ, आया। चलो चलो जल्दी। अरे अटल, चलो भागो तुम दोनों भी जल्दी। चलो चलो चलो, ये पकड़। चलो भी। चलो संभाल के। अटल, अरे बेटा परीक्षा देने जा रहे हो, मुंह तो मीठा करते जाओ। जा। अपनी अपनी दुकान छोड़कर सब लोग हलवाई की दुकान पर क्या कर रहे हैं? अरे पंडित जी, सुबह की शुरुआत गप्पों से ही होती है। चलो चलो बेटा, देर हो रही है, चलो। अटल बेटा, पढ़ाई की तैयारी हुई है ना? जी। पहाड़े कहाँ तक याद है? 7 तक। अच्छा, बढ़िया है, तो 7 का पहाड़ा सुनाओ। 7 1 7 7 2 4। ब्रिटिश सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भगत सिंह की फांसी, राज करो राज करो राज करो। ब्रिटिश सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भगत सिंह की फांसी, राज करो राज करो राज करो। ब्रिटिश सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भगत सिंह की फांसी, राज करो राज करो राज करो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबूजी, ये भगत सिंह कौन है और उनको फांसी क्यों दी जा रही है, और ये लोग कौन थे जो नारे लगा रहे थे? कोई भी हो, तुमसे क्या, इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना, तुम अपनी परीक्षा के बारे में सोचो। चल। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर वाजपेयी। अटल, प्रिंसिपल सर हैं ये। प्रणाम सर। सर, ये मेरा बेटा अटल है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इसका आज एडमिशन का टेस्ट है, इसका अगर अंग्रेजी स्कूल में दाखिला हो जाए तो हमारी किस्मत बदल जाएगी सर। ठीक है, हम देखेंगे। चलो अब तुम परीक्षा में जाओ, सारे सवालों के जवाब ठीक से लिखना, सोच समझ कर, हड़बड़ाना नहीं। नहीं, और सुनो, परीक्षा के बाद मेरा यही इंतजार करना, मैं यही तुम्हें मिलूंगा,
तब तक मैं अपनी कक्षा में जाता हूँ। आपकी कक्षा कहाँ है बाबूजी? मैं हिंदी माध्यम में पढ़ाता हूँ बेटा, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ो। जाओ। थैंक यू सर। रुको, ये क्या है? टीका लगा के तुम अंदर नहीं जा सकता है। यहां पढ़ने के लिए आया है या मंदिर में पूजा करने के लिए आया है? मिटा दो इस टीका को। ठीक है, तुम नहीं मिटाएंगे तो हम खुद मिटा देता है। क्यों आया? आपको इसका टीका मिटाने से रोकने के लिए। लेकिन क्यों? देखिए, जैसे आप लोग पैंट कमीज हैट पहनते हैं, वैसे ही हम भारतीय धोती कुर्ता पगड़ी पहनते हैं और टीका भी लगाते हैं। भारत की संस्कृति की आग को बचाए तो देश के ललाट पर सबका अपना अपना रहन सहन होता है, अपना पहनावा होता है और अपनी संस्कृति होती है, और ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसमें हमारा विश्वास बसता है कि सब अच्छा होगा, मंगल होगा। तर्क से अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए जाओ। और अगर आप इसे मिटाएंगे तो इसका विश्वास भी मिट जाएगा, और किसके विश्वास को तोड़ना या मिटाना अच्छी बात नहीं होती। तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा।